फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही हेल्दी और बहुत ही कलरफुल इडली की है। फ्रेंड्स, इसमें मैं कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डालूंगी, इवन बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं इसमें ऐड करूंगी। और ये 100% बहुत हेल्दी है। इसे आप अगर वजन कम करना चाहते हैं तो खा सकते हैं, डायबिटिक फ्रेंडली है, इवन किड्स भी खा सकते हैं, ओवरऑल सभी एज के लोग खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं ज्वार का आटा ले रही हूँ, साथ ही सूजी ले रही हूँ और दही ले रही हूँ। तीनों को मैं बराबर मात्रा में ले रही हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं पानी थोड़ा ले रही हूँ और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर करके 10 मिनट तक रख दूँगी। 10 मिनट के बाद इसमें मैं ग्रेटेड गाजर डाल रही हूँ, बीटरूट डाल रही हूँ और बहुत बारीक कटा हुआ पालक डाल रही हूँ। अब फिर से मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी जितनी ज़रूरत है। मतलब एक अच्छा बैटर के जैसा इसे बनाऊंगी, मतलब थोड़ा थिक बैटर के जैसा बनाऊंगी। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया और बैटर भी रेडी हो गया। तो मैं इसमें थोड़ा छौंका लगा रही हूँ, उसके लिए एक सरसों का तेल ले रही हूँ और उसमें मैं ब्लैक सीड्स, हींग और कटा हुआ करी पत्ता डालकर मैं इसे थोड़ा पका लेती हूँ और इसे मैं उसी बैटर में ऐड कर लूँगी और एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। छौंका लगाने से इडली की टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाती है। और यहाँ पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा नमक डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा या इनो ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और फिर से मैं इसे ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ जो इडली मोल्ड है, और उसमें मैं बराबर भाग में बैटर को डाल देती हूँ। पानी को मैं पहले से बॉयल होने के लिए रखी थी चूल्हे पर। तो ये देखिए बहुत बढ़िया से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें इडली स्टैंड को रख देती हूँ और कवर करके 12 to 15 मिनट तक इसे स्टीम करूँगी। स्टीम करने के बाद देखिए ये कितना बढ़िया और दिख रहा, बहुत अच्छा बेक हुआ और सॉफ्ट भी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए कि बिना बेकिंग सोडा और इनो की इडली कैसी लगी है आपको। तो ये देखिए मैं प्लेट पे इसे रख रही हूँ, ये पीछे से भी देखिए इस कितना बढ़िया टेक्स्चर आया है। इसे मैं बहुत ही स्पाइसी चटनी को के साथ सर्व करूँगी। एक्चुअली मुझे स्पाइसी चटनी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं स्पाइसी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो सांभर कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।